सत्य शोधक समाज मेहर के तत्वाधान में शिक्षा के अग्रदूत महात्मा ज्योति राव फूले जी के परिनिर्माण दिवस पर विचार गोष्ठी का कार्यक्रम मिलान मैरिज गार्डन में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा, वरिष्ठ अतिथि देवदूत सोनी, वरिष्ठ समाज सेवी मेहर मोलाई राम चौधरी, पूर्व मंडलाध्यक्ष मेहर मौजूद रहे। ज्योतिबा फूले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को हुआ था और निधन 28 नवंबर 1890 को हुआ था। उनका पूरा नाम ज्योतिबा गोविंद राव फूले था। महात्मा ज्योतिबा फूले के पिता गोविंद राव का एक किसान थे और पुणे में फूल बेचते थे। जब ये छोटे थे इनकी मां का देहांत हो गया था। ज्योतिबा फूले समाजसेवी, लेखक, दार्शनिक और क्रांतिकारी के रूप में जाने जाते हैं। उनके परिनिर्माण दिवस पर लोगों ने उन्हें याद करते हुए नमन किया। मुख्य उद्देश्य है कि जो दलित शोषित पिछड़ों के जो महापुरुष पैदा हुए उनको सरकारों ने उस तरह से तरहीत तो दिया नहीं है। इसे समाज के जो शुभचिंतक लोग हैं उन्होंने सोचा कि जिन्होंने इस देश में शिक्षा शूद्र समाज में और स्त्री को नारी शिक्षा देने में प्रथम कार्य महात्मा ज्योतिबाराव फूले ने किया है, तो मैहर के सत्य शोधक समाज की एक स्थापना की गई जो महात्मा ज्योतिबाराव फूले की ही संस्था थी, उसके तहत आज उनके विचारों को लोगों तक पहुंचाने की प्रथम शुरुआत है और इसके बाद इसका निश्चित रूप से अगले साल तक में बड़ा विशाल रूप लेगा और हम लोग चाहते हैं कि महात्मा ज्योतिबाराव फूले के विचार का भारत बनना चाहिए। मेन उद्देश्य है आज की हमारे महामना फूले जी का पुण्यतिथि है, उसको मनाने के लिए हम लोग आज यहाँ पर क्या संदेश देना चाहते हैं आप समाज को? हम तो यही देना चाहेंगे भाई साहब कि जो वो बता गए हैं उनके मार्ग हैं, उनके चिन्हों पर हम सभी लोग चले और मानव समाज के लिए, कल्याण के लिए कार्य, शिक्षा के लिए लोगों को प्रेरित करें ताकि बच्चे पढ़ लिख कर नई नई ऊंचाइयों की ओर जाएं।